सर नमस्कार सभी को। क्या आप जानते हैं कि आपको हिचकी क्यों आती है? क्या आप जानते हैं कि आपको नींद क्यों आती है? आपको कौन बताता है कि यार नींद लग रही है, अब नींद सोएंगे? आपको कौन बताता है यार हिचकी आने वाली है? आपको कौन बताता है कि यार छींक आने वाली है? आपको कौन बताता है कि आंखें बंद होगी, ऐसे आंखें बंद करनी है? कौन करवाता है ये सब? तो ये सब अगर आपको जानना है, आपको अगर आपके प्राण के बारे में जानना है, आपको अगर आपके लाइफ फोर्स के बारे में जानना है, जो भी आपके अंदर फोर्स चल रहा है, आपको नहीं पता है कौन सी एनर्जी आपके अंदर जा रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। प्राण उपप्राण की बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ मैं आया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल पाए कि आपकी बॉडी के अंदर प्राण और उपप्राण के क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे काम करता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्राण के बारे में और उपप्राण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल पाए और साथ में प्राणायाम भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले प्राणायाम से ही शुरू करते हैं। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं बताइए? प्राणायाम आपसे समझते होंगे कि प्राण और आयाम, मतलब कि प्राण मतलब ऑक्सीजन और आयाम मतलब अलग अलग डायमेंशन से लेना, मतलब ऑक्सीजन को लेना ही प्राणायाम कहता है। हाँ मैं मान सकता हूँ ये डेफिनेशन होती है, लेकिन बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं जो आज आपको पता चल पाएंगी। जैसे कि प्राण आपने जो बताया वो ठीक है, प्राण जो होती है वो लाइफ गिविंग फोर्स है, मतलब कि ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं जो प्राण हमारे अंदर जा रहा है। और जो आयाम है, क्या आयाम से पहले हम लेते हैं यम। यम शब्द जो है वो है कंट्रोल, उसका मतलब है कंट्रोल, मतलब जो प्राण पे हम कंट्रोल पाएंगे उसको कहेंगे प्राण और यम जोड़ गया। उसके बाद अगर हम आयाम कर देंगे तो आयाम का मतलब हो गया डायमेंशंस, मतलब जो हमारा जो प्राण है उसके कई सारे डायमेंशंस होते हैं। हम हमेशा एक ही डायमेंशन को लेकर चलते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उन पर अगर हमने कंट्रोल पा लिया तो उसी को कहते हैं प्राणायाम, उसी की प्रैक्टिस को कहते हैं प्राणायाम। आप इस चीज़ को समझिए। अब आप छोटा सा कंसेप्ट समझिए ब्रीथिंग का, कि आप ब्रीथिंग करते कैसे हैं। ब्रीथिंग आप कैसे करते हैं? सांस ली, उसके बाद अंदर रोके, सांस छोड़े, उसके बाद रोके। मतलब एक बार आपको कब रोकना है? जब सांस आपके अंदर है, मतलब ऑक्सीजन आपके अंदर है। और आपने एक बार कब रोका अपने आपको? जब सांस आपके अंदर नहीं है, छोड़ दिया आपने बिल्कुल। तो इन्हीं सबको अलग अलग वर्ड से नाम बोला गया, इन्हीं का अलग अलग नाम भी बोला गया। जैसे कि जब आपने सांस ली तो उसका नाम हुआ पूरक, फिर जब सांस रोकी आपने उसका नाम हुआ अंतर्कुंभक, जो आपने सांस छोड़ दी उसका मतलब हो गया रेचक। तो अभी इस चीज़ को पूरा करते हैं। और हाँ, उसके बाद भी जैसे जहाँ आपने छोड़ दी उसके बाद आपके अंदर कोई भी सांस नहीं बची, कोई भी एयर अब नहीं बची है, प्राण नहीं बचे हैं आपके अंदर, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बहिर्कुंभक। अब इसको एक बार वर्ड से करते हैं, जैसे कि पहले कि आपने पूरक, फिर अंतर्कुंभक, फिर रेचक, फिर बहिर्कुंभक। सांस लिया, रोका, सांस छोड़ा, रोका। इतने कोई प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएगी, ये फैक्ट है। ठीक है, बाकी और भी आगे देखते हैं। अब जैसे कि आपकी बॉडी, आपको पता होगा कि पांच एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, वैसे ही जो प्राण होता है ना, हमारा पूरा जो एनर्जी का फ्लो है, ये भी अलग अलग पांच तरीके से होता है। सबसे पहला जो होता है वो यहाँ लैरिंग से लेकर, मतलब यहाँ लैरिंग से लेकर और यहाँ हार्ट के, ठीक है, एब्डोमिनल के ऊपर तक, मतलब ये जो एब्डोमिनल जगह होती है, ये एब्डोमिनल की जगह यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये प्राण वाला होता है, मतलब जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है और हमारे जो एनर्जी का फ्लो मेनली जो हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है, तो ये हो गया प्राण का रीजन। उसके बाद जो होता है अपान, अपान का मतलब क्या हो गया? जो हमारी नसल है, मतलब यहाँ तोंद होती है ना, तोंद यहाँ से लेकर और नीचे तक पूरा, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वर्क करती है, तो इनको कहते हैं, ये सब कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं हम अपान। उसके बाद हमारा हार्ट से लेकर और यहाँ तक का नेजल तक, मतलब जो मेन होता है ये बहुत, जैसे जिसमें न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, स्टमक का मतलब डाइजेशन वगैरह प्रोसेस आता है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है? ये करता है समान प्राण, मतलब समान का जो प्राण का टाइप होता है, एक समान जो एनर्जी का टाइप होता है वो समान करता है। ठीक है, उसके बाद आता है उड़ान, या उड़ान भी कह सकते हैं हमको। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मेनली नेक और हेड वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन, इसमें जो एनर्जी फ्लो हो रही है ये उड़ान प्राण का ही देना या रेगुलेट करता है मान सकते हैं हम लोग। इसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन भी आते हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो आते हैं, जैसे कि आ गया हमारा ईयर, ये हो गया नोज़ हो गया और टंग हो गई और आइज़ हो गया, ये सब जो है करता है। उसके बाद जो लास्ट होता है, लास्ट का है व्यान। अब व्यान क्या करता है? वो इन चारों को ही रेगुलेट करता है, आपस में मेलजोल के बना के रखता है कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम, उन सबको रेगुलेट करता है। और साथ में हम ये समझ सकते हैं जो हमारी पूरी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उनको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको आती है छींक, छींक आने से पहले आपको पता चलती है छींक आने वाली है, खांसी आने से पहले पता चलती है आपको खांसी आने वाली है, आँख आपकी पहले से ही झपक जाती है, अपने आप ही जब झपकना होता है। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे हिचकी, हिचकी आपको आने वाली होती है, आपको पता लगता है यार हिचकी अब आने वाली है, कौन करवाता है ये सब काम यार, नींद आने वाली होती है, ये सब कौन काम करवाता है? चाहे तो ना काम करवाए, लेकिन हमारे जो उपप्राण हैं यही काम कराते हैं मेनली। अब उपप्राण के बारे में धीरे करके समझेंगे, एक एक करके पांच, बहुत छोटी सी बात है, पांच तरीके जल्दी से निपट जाएंगे। तो पहला जो आता है डकार लेना, जैसे हम लोग डकार लेते हैं या हिचकी लेते हैं, ठीक है, ये दोनों किसके अंडर में आते हैं? ये आते हैं नाग उपप्राण के अंडर में, ठीक है।
उसके बाद कूर्मा के अंदर क्या आते हैं, कूर्मा एक उपप्राण होता है, उसके अंदर में आता है जो हमारी आंखें का झपक है। आंखें हम खोलें तो खोले रख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन वो अपने आप झपक जाएगी। क्यों? क्यों? कूर्मा उपप्राण यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है चीजें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हम लोग को कभी कभी भूख लगती है, ठीक है, हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपने से चाहते हैं भूख लगना, वो अंदर से ही आवाज कुछ आती है, अंदर से ही ऐसे ही हम लोग को फील होता है कि अब भूख लग रही है, हम लोग को ऐसे ही फील होता है प्यास लग रही है, हम लोग को ऐसे ही फील होता है कि अब खांसना है, हम लोग को ऐसे ही फील होता है कि अब छींकना है, स्नीजिंग करना है। तो ये सब कौन करवाता है? ये सब करवाता है क्री कारा उपप्राण, ठीक है, यही सब रेगुलेट करता है, क्री कारा उपप्राण के ये सब कार्यक्रम है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है देवदत्त उपप्राण, जो कि हम लोग को सोने का बताता है कि यार अब नींद लग रही है, या योनिंग करवाता है हम लोग को, ठीक है। ये सब कौन करवाता है? हम लोग का देवदत्त उपप्राण। अब लास्ट वाला आता है, ये होता है डेथ के बाद में, कि डेथ के बाद में अब कौन बताएगा कि यार अब डिकम्पोज हो जाना है, ये सब करवाता है, ये कौन करवाता है? धनंजय उपप्राण। धनंजय उपप्राण का काम होता है कि ये सब रेगुलेट करना, कि अब बॉडी को डिकम्पोज करना है, डिके करना है, क्या करना है, वो जाने, समझ रहे हो। तो बहुत ही मेन चीज़ें, बहुत ही सनातन वाली चीज़ें हैं, जो बहुत पुराने मतलब पहले रही है, जिसका अंत नहीं है, ठीक है, जो आरंभ से अंत तक है वही है मेनली। तो ये सारी चीज़ों को आप जानेंगे जब, तो अच्छे तरीके से आप बॉडी को समझ पाएंगे और उस तरीके से आप काम कर पाएंगे। और जो इन सब चीज़ों को जान ही गया उसके माइंड में इतना तगड़ा एनर्जी फ्लो होगा ना, कि वो सारी बीमारियाँ ठीक कर लेगा। और बाकी ये सब करने के बाद, इनको कंट्रोल करने के बाद तो ठीक ही कर लेगा, ठीक है। तो मेनली ये सब करिए, ठीक है, ये सब जानिए, चाहे मेरी वीडियोस जानिए या किसी वीडियोस जानिए, लेकिन जानिए जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ऐसी वीडियोस मिलती जाएंगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी कई सारी वीडियोस में डालता रहता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जिससे आप थोड़ा बहुत ज्ञान तो ले ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।